Subscribe and press bell icon and never miss a new update. Very good morning, all dear gentlemen, cadet, and obviously all engineering student. I'm really happy to come again in front of all of you. Because finally, जैसे कि मैंने क्रम बना रखा है, I'm discussing continuous about the different entries, and I'm really dedicate to aware the all engineering aspirants and obviously engineering completed all student to aware about the entries which is really available in defense, and you can apply for all the entry. अलग से मैं बहुत सारे entries की बात कर रहा हूँ, back to back. I'll discuss about the NCC entry, I'll talk about the JAG entry, I'll talk about the TGC entry. I'll talk about the NDA entry, Indian Coast Guard entry. मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्रम बना रखा है कि जितनी भी फौज के अंतर्गत एंट्री हैं, चाहे वो कमीशन स्तर की हों या नॉन कमीशन स्तर की हों, जितने भी स्ट्रीम की है, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड का हो, चाहे लॉ बैकग्राउंड का है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का है, चाहे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, फॉर द ऑल मैंने पूरा ये बीड़ा उठा रखा है. मैं आप सबको हर एंट्री के विषय में बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर और अस्पष्टता बताने का प्रयास करूँगा. और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि ये चीज़ मैं पूरी आत्मा से, सच्चाई से करना चाहता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के विषय में अवेयरनेस हो और आप बेहतर ढंग से जान करके इन फॉर्म्स को अप्लाई करें और अपने करियर को ओवरऑल बेहतर बनाने का एक बेहतर प्रयास करें. साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज मैं स्पेशली एक एंट्री लेके आया हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज SSC टेक एंट्री फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. SSC टेक की आज मैं बात करने वाला हूँ, एंड SSC टेक है तो ऑब्वियसली इट्स कॉल इन शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, जो कि टेक्निकल कैटेगरी के लिए की जा रही है. तो बहुत लोगों की कोशिश भी होगी, कन्फ्यूज़न भी होगी, सर TGC भी तो हमारे लिए टेक्निकल एंट्री ही है एक तरह की. बट आज मैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस भी समझाऊंगा कि आखिर SSC टेक एंट्री क्या है और आपकी TGC एंट्री क्या है, क्या डिफरेंसेज हैं इनमें. साथ ही साथ मैं आपको पूरे SSC टेक के इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से दूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं अपने दोस्तों के बीच, अपने छोटे भाई के बीच, अपने बड़े भाई के बीच. बिल्कुल शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी क्वारीज़ हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर तरह के क्वारीज़ का एक बेहतर ढंग से जवाब दें और एक बेहतर ढंग से आपको आइडिया दें. तो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ SSC टेक एंट्री जो कि आ चुकी है. दिस इज 53rd बैच फॉर SSC टेक मैन, 53rd बैच फॉर द SSC टेक मैन. पहले 24th बैच फॉर SSC टेक विमेन. तो ये दो तरह के बैचेस हैं, जो कि 53 बैच आप समझ सकते हैं मेल के लिए, जो कि काफ़ी अर्जे से चली आ रही है, ऑलमोस्ट 50 ईयर अबव. एंड विमेन्स ऑल्सो स्टार्टेड, तो 24th बैच है जो कि विमेंस टेक एंट्री के लिए जा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू हैव अ बोथ हैव अ नाइस करियर अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री, एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी SSC टेक के माध्यम से. जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक समथिंग इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट, कि इन दिस नोटिफिकेशन हैज़ ऑल्सो गॉट 2 seats फॉर द बीडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल. 2 seats इसमें रिजर्व रखी गई हैं, जो कि डिफेंस पर्सनल की बीडोज होती हैं. किसी भी वॉर कैजुअलिटी या किसी भी वजह से दुर्भाग्य से ये चीज़ें हैपन होती हैं, तो फौज उनके लिए भी बहुत गंभीर है, और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए 2 सीटें इसमें रिजर्व रखी गई हैं SSC टेक में विमेंस एंट्री के लिए. जैसे कि आपको पता है कि विथ NCC एंट्री नोटिफिकेशन देर आर सीट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़. आपको पता होगा जैसे मैंने लास्ट NCC एंट्री की बात की, और उसमें जो भी बैटल कैजुअलिटीज़ के हमारे हीरोज़ रहे हैं, उनके जो बच्चे रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनके लिए सीट रिजर्व थी. पहले जब SSC टेक की हम बात करेंगे तो देर आर सीट फॉर द वीडोज़ एंड डिफेंस पर्सनल. वीडोज़ जो हैं डिफेंस पर्सनल के, उनके लिए सीट इसमें से रिजर्व की गई है. तो बहुत बड़ी बात है कि लाइक दो तरह का अपॉर्चुनिटी हो गया. आई थिंक आफ्टर कैजुअलिटी आर हीरोज़, उनकी वाइफ्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और पहले ही उनके बच्चों को भी NCC के माध्यम से एक बेहतर मौका दिया जा रहा है. लास्ट डेट जो अप्लाई करने के SSC टेक के लिए 21 फरवरी 2019 तक आपके पास मौका है. बट इतना लंबा डेट को वेट करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट अप एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करें, आपके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है. और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको स्प्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना आप फैलाएंगे उतना देश में अवेयरनेस होगा और लोग रक्षा क्षेत्र से जुड़ पाएंगे. आज थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस मैं SSC टेक और TGC के विषय में आपको बता भी देता हूँ, बिकॉज अक्सर कन्फ्यूजन रहती है लोगों में कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बोथ एंट्रीज. तो मैं आज क्लियर कर दूँ आपको, बोथ SSC टेक एंड TGC एंट्री आर फॉर द इंजीनियर. बिल्कुल सत्य बात है कि SSC टेक और TGC एंट्री जो है वो इंजीनियर्स के लिए है, बट TGC एंट्री
offer permanent commission, but SSC Tech offer short service commission as the name suggests. तो कहने का मतलब ये है कि जो TGC के through जाते हैं उनके पास permanent career का option होता है फौज में, but SSC Tech के through वो लोग जाते हैं जिन्हें short service commission की category में जाना होता है. बहुत लोगों का choice होता है कि वो एक समय तक फौज को समय देना चाहते हैं, उसके बाद अपने स्वयं के जीवन को, स्वयं के establishment को या किसी अच्छे corporate के साथ जुड़ना चाहते हैं. तो बिल्कुल आप घबराएं ना, I think जीवन में ये दोनों अनुभव जरूरी है. फौज आपको एक disciplined life देगी और कॉर्पोरेट आपको एक अच्छा खासा पैसा और वो चीज़ देगा जो आप चाहते हैं. बट हाँ, पैसा कम फौज में भी नहीं है. बट मैंने एक ऑप्शन के लिए आपसे डिस्कस किया कि आपके पास परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों हैं टेक्निकल एंट्री में, TGC और SSC टेक के माध्यम से. पहली इन TGC ओनली मेल कैन अप्लाई. जैसा कि आपको पता है TGC एंट्री में ओनली मेल कैंडिडेट विल अप्लाई. बट जब हम SSC टेक की बात करें तो फीमेल कैन ऑल्सो अप्लाई. थी बहुत बड़ी बात है कि टेक्निकल एंट्री में विमेन ऑल्सो गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दीज एंट्री लाइक SSC टेक. तो बहुत बढ़िया मौका है कि केवल टेक्निकल जो है मेल ही नहीं बल्कि टेक्निकल विमेन्स भी इस चीज़ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं. द जॉब प्रोफाइल इज ऑल्सो डिफरेंट. द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग विच कैन अप्लाई आर लिटिल डिफरेंट. मतलब थोड़ा सा अंतर है जॉब प्रोफाइल में. ऑब्वियसली दे गो इन इंजीनियरिंग कैटेगरी, बट ऑब्वियसली दोनों के जो वर्किंग कल्चर हैं वो थोड़े से डिफरेंस हैं SSC टेक और TGC एंट्री के. ट्रेनिंग मॉड्यूल इज डिफरेंट एंड इज कंडक्टेड सेपरेटली फॉर TGC. आप जैसा जानते हैं कि IIM देहरादून, बट स्पेशली वी टॉक अबाउट द SSC टेक, देन ऑब्वियसली OT ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई. तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि आखिर TGC के थ्रू आप जा रहे हैं तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेनिंग इन IIM इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून. बट अगर आप SSC ट्रिक एंट्री के माध्यम से जा रहे हैं तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेनिंग इन OTA चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में आपको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी. ये रहा बेसिक डिफरेंस जो कि कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि आपका कहीं हद तक क्लियर कर रहा होगा. एलिजिबिलिटी फॉर SSC टेक फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ऑब्वियसली नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए. नेपाल एंड भूटान से भी आप हो सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई. एंड तिब्बत जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले जिनका परिवार यहाँ पे आया, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. एज लिमिट फॉर SSC टेक बोथ मेल एंड फीमेल 20 to 27. 20 साल से लेकर 27 साल तक की एलिजिबिलिटी है. अब जान लें कि बेटवीन बॉर्न क्या है आपका. तो 2 अक्टूबर 1992 से 1 अक्टूबर 1999 बोथ डेट आर इंक्लूसिव. ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1992 से 1 अक्टूबर 1999, मतलब आपका ये डेट है और ये दोनों डेट इंक्लूसिव है. मतलब आप पर्टिकुलर इन डेट्स पे पैदा हुए हैं या इन बिटवीन इन डेट्स पे किसी में भी पैदा हुए हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. आई थिंक बहुत लंबा ड्यूरेशन है एज का, और बीटेक करने के बाद इजिली या ड्यूरिंग बीटेक भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में. फॉर वीडियोस आप डिफेंस पर्सनल अ मैक्सिमम ऑफ 35 एज ऑन द 7 अक्टूबर 2019. अगर वहीं हम जो रिजर्व सीट्स हमारी हैं वॉर वीडियोस के लिए, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी एज जो होनी चाहिए वो 7 अक्टूबर 2019 तक डेट जो बन रही है हमारी उस पर 35 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए. तो इस डेट पे भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2019 तक आपकी एज 35 से अबव ना हो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर SSC टेक बोथ मेल एंड फीमेल ग्रेजुएशन विथ इंजीनियरिंग डिग्री इफ इन द फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 अक्टूबर 2019. जो फाइनल ईयर हो चुके हैं दैट्स नॉट ए इशू, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. बट जो अपेयरिंग में हैं, जो कि इस साल ऑब्वियसली अपेयरिंग में हैं और जिनके एग्जाम जुलाई में हैपन होने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आप फाइनल ईयर भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. बट आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 अक्टूबर 1999 और तब तक आप ये चीज़ पा जाएंगे. तो बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए. अगर आप इंजीनियरिंग अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप पास आउट हैं, इन बोथ कंडीशन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. फॉर वॉर वीडियोज डिफेंस पर्सनल नॉन टेक, एक सीट हमारी नॉन टेक के लिए है जिसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन. एंड फॉर वीडियो आप डिफेंस पर्सनल टेक जिसमें BE/BTech इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम. तो दो तरह की सीट दी गई, एक टेक्निकल सीट बनाई गई और एक नॉन टेक्निकल. तो एक सीट जो है वो ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में, और नेक्स्ट सीट के लिए कि आपका BE/BTech भी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री. आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. वैकेंसीज, द टोटल वैकेंसी ऑफ मेल इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट ब्रांचेज लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ETC इज 175 सीट. आई थिंक इट्स अ ह्यूज सीट, मतलब बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है और नंबर्स ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है. एंड फॉर फीमेल इज 14 सीट है. एंड जैसा कि मैंने बताया फॉर वीडियोज ऑफ डिफेंस पर्सनल जिसमें कि टेक एंड नॉन टेक के लिए एक एक सीट रिजर्व रखी गई है. How to apply? Application will be accepted online only www.joinindianarmy.nic.in.
बिल्कुल इसी वेबसाइट पे, अब तो आदतन हो गए हैं आप सुन सुन की साइट का नाम, तो इसी पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव अ प्रॉपर रिटन ब्लॉग ऑन हिस पर्टिकुलर टॉपिक. वी हैव गिवन ऑल द डिटेल अबाउट द नोटिफिकेशन लाइक सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड. द लिंक टू दैट ब्लॉग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो. जो आप वीडियो देख रहे होंगे उस दौरान आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया रहेगा, तो ज़रूर आप जाएं और डिटेल पढ़ें, बिकॉज मैंने तो अभी ओरल इन्फॉर्मेशन पास की है, बहुत सारी बातें आप भूल भी जाएंगे शायद सुनते सुनते, इतना लंबा वीडियो हो जाता है. तो बेस्ट पार्ट है कि आप हमारे ब्लॉग और वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, जहाँ से आप इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी और आपकी तैयारी में आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगी. साथ ही साथ दिस इज़ डायरेक्ट एंट्री, सो देर इज़ नो रिटन एग्जामिनेशन. यू गॉट अ पीयर फॉर SSB इंटरव्यू डायरेक्टली. And Major Kalshi class is always there to guide you and train you. For any query, visit our website and call us on particular number. Websites bhi aapko detail mein dikh rahi hogi. And ye particular contact number hai 9696-33-0033, jis pe aap call bhi kar sakte hain for further any queries. Gentlemen, I think SSC Tech is one of the great opportunity. Bahut khubsurat mauka hai aap sabke liye. Fauj mein as engineering career apna establish karne ke liye. और इसके बाद तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जीवन में बहुत कुछ करने के लिए. तो बिल्कुल उठिए तेजी के साथ. फॉर मोल बोथ मेल एंड फीमेल यू शुड अप्लाई. आप दोनों को इसमें अप्लाई करना चाहिए और बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक यू शुड फेस SSB वंस. जिंदगी में आप कुछ भी करो, वट एवर यू हैव डिसाइडेड टू डू, दिस नथिंग प्रॉब्लम विद दैट. बट मुझे लगता है कि आप सबको लाइफ में एक बार SSB जरूर देना चाहिए. दैट इज गोना वन ऑफ द नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू. आप सबके लिए बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा. एंड Major Kalshi क्लास इज ऑलवेज रेडी टू गाइड यू. हमारे SSB प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ हमारी पूरी एक्सपर्टाइज टीम है, कर्नल सौमित्र दत्त के, विंग कमांडर के भी ठाकुर सर के, ग्रुप पांडे सर की, एंड ऑब्वियसली उनके गाइडेंस में एक बेहतर ढंग से आपको दिशा दी जाएगी, बेहतर आउटडोर ग्राउंड दिया जाएगा, जहाँ से आपके हम आत्मविश्वास को अप टू द मार्क बनाएंगे और आप इस SSB में जरूर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे. तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डिफेंस को लेकर के इसको सबसे बड़ा आपको चैनल बनाना है YouTube की दुनिया में और एक परफेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन पाना है. तो इट्स रियली अगेन अ नाइस इंट्रैक्शन विद ऑल ऑफ यू. बहुत जल्द मैं आपके समक्ष होऊंगा फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ. तब के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें. फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter एंड YouTube. थैंक यू.